तांगे एक भी बेटी को नहीं, मारी बेटियां का उरनाश कर दिया। बिल्कुल, एक और साथ में बयान दिया है कि ये खिलाड़ी तो खत्म हो गए, एक परिवार का मामला है, एक जाति का मामला है। ये तो जागो हरियाणा देखने वाले सारे चाचे और ताऊ ने, बड़े छोटे बहन और भाई ने, ऐसे ढोल की प्यार भरी राम राम। मेरे पास से देखने लग रहे कुछ किसान खड़े हैं जो लगातार दिल्ली पर जंतर मंतर पर धरना चल रहा, धरना ने आंदोलन का रूप ले लिया है। तो उस करके आज जींद में पार्क में इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ कारण तक इकट्ठा हुए हैं, सारी बातचीत कराओगे। तो सबसे पहला राम राम जी। राम राम जी। राम 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 राम। तो क्या कारण है जी आज लड़ाई इकट्ठा होने का जींद में? देखियो कारण तो इस जब ते बीजेपी सरकार आई है नी, इन यह सोच रखी है वही किसान कर्मचारी मजदूर पहलवान भी हमारे रोड के ऊपर ले आए दिए, सरकार की नीति है या है? यह सरकार तो अंग्रेजों तो ही माड़ी सरकार है भाई साहब। और जो आज इस पर यहाँ इकट्ठे होने का जो हमारा मेन मकसद रहा है, जो हमारे खिलाड़ी भाई और बहन बेटी हमारी वहाँ जो जंतर मंत्र में बैठी हैं, आज हम उनको न्याय दिलाने के लिए जींद की क्रांतिकारी धरती से पूरे जींद किसान संगठन पूरे हरियाणा के और खाप पंचायत आज इस पार्क में इकट्ठी होंगी। यहाँ से चलकर हम डीसी ऑफिस में जाएंगे, वहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन देंगे। अगर ये ज्ञापन हमारा जो पंचायत खापुन दे रखा है वो 20 तारीख ही लगा प्रधानमंत्री को दे रखा है, तब तक हमारी ये बात मान ले हैं तो ठीक से नहीं, हम यहाँ से आज आगाज कर देंगे कि यहाँ से आंदोलन शुरू हो चुका है आज हरियाणा से पूरे हिंदुस्तान के लिए। जो आंदोलन जी 13 महीने दिल्ली चलाया था किसान आंदोलन, उसका रूप ले सकते हो, उससे ही बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। देखो वह थी एक फसल बचाने की लड़ाई और ये अब आ गई हमारी नस्ल बचाने की लड़ाई, हाँ उससे बड़ा रूप खड़ा होगा। बिल्कुल, क्या कहना चाहोगे जो आंधी बाहरी सरकार है, जो खिलाड़ी हैं अपने वहाँ अपना प्रचार करें, कितने दिन हो गए, 17-18 दिन हो गए, और जो जनवरी में भी उन्हें धरना दिया था उस पर कुछ जो सरकार से मिले जुले आदि मैंने धरना खत्म कर दिया, तो क्या कहना चाहोगे? आज भी राजनीति हो रही है उन खिलाड़ियों का। देखियो उन खिलाड़ियों ने सब चीज़ का, किसान ने अपनी खेती का अनुभव है और खिलाड़ियों ने अपना खेल का अनुभव है, उन्होंने आंदोलन का अनुभव नहीं था उस टाइम पर, कोई राजनीतिक आए गए थे उन्होंने बकाए में, और उन सबसे बड़ी बात तो यह है उन भाइयों ने माफ़ी मांग ली है और जो ये आंदोलन का रूप है यो अपने किसान दादे ताऊ चाचे ताऊ और किसानों को अपना ये पूरा आंदोलन उनको समर्पित कर दिया है। अब ये आंदोलन हमारा फर्ज भी है, देखो हमारी बहन बेटी है, अब ये फसल की नहीं ये नस्ल की लड़ाई है और ये आंदोलन पूरा चलेगा और उनको न्याय दिला के रहेंगे। तो जो ब्रिज भूषण का बयान आए थे कि 90% खिलाड़ी उनका साथ हैं, तो अरे जो खिलाड़ी है साक्षी मलिक ने दिया बयान की 90% हैं तो दिखाओ हैं कड़ा है, तो क्या कहना चाहोगे? मैं झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। देखियो ये बीजेपी सरकार का शुरू दिन से झूठ का काम रहा है, जब भी किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों को भी आतंकवादी बता दिया था, आंदोलन जी भी बता दिया था, वही काम अब खिलाड़ियों के साथ होने लग रहा है मेरे भाई। ये जात पात, ये देखियो ये जात पात दिखाएंगे, इलेक्शन सर पे हैं, ये हमको एक दूसरे को लड़ाना चाहेंगे, ये अपनी राजनीति करना चाहेंगे, इनका मेन मकसद है 2024 के लिए चुनाव खड़ा करना और इनकी अब नहीं चलेगी सरकार, इन पूरी जनता इनको जान चुकी है, इनका सुपड़ा साफ है। नमस्कार दाऊ जी। नमस्कार जी। तो आप क्या कहना चाहोगे जो आपने जींद माजी इकट्ठा हुए हो, के विचार जाओगे, के संदेश जाओगे इस इकट्ठा होने से? संदेश हमारी बहन बेटियां दो खिलाड़ी बैठे हैं, हमारा नस्ल और फसल बताने का देव नस्ल बताने का और चल पड़ा आघात, और इनकी इज्जत और बेइज्जती का सवाल, ब्रजभूषण अंदर होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, और हमारी तो आज जींद पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी और किसान और मजदूर सभी संगठन यहाँ आए हैं और डीसी ऑफिस लग जाएंगे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को का ज्ञापन सौंपेंगे, और इसके लिए आज से पूरे हिंदुस्तान में बिंगुल बज चुका है और 21 तारीख को जो महम के अंदर पंचायत के अंदर फैसला होगा उसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान इज्जत और बेइज्जती के लिए खरा खरा उतरेगा, इसके अंदर कोई शक नहीं है। ये जात और बरादरी पंडित जाट ब्राह्मण ये एक इनका बहाना है, ये बहाना नहीं चलेगा, 24 के लिए इनके बिस्तरा पब्लिक बंद देगी। बिल्कुल, जो 21 तारीख ने फैसला होगा जी, जो खिलाड़ी के पक्ष में नहीं आया तो अगला कदम क्या होगा अपना? जो फैसला पंचायत जो फैसला लेगी महम के अंदर, पूरे भारत की खाप पंचायतें और संयुक्त मोर्चे की वहां बैठक होगी, जो संयुक्त मोर्चा और खापे पंचायतें पूरे हिंदुस्तान की जो फैसला लेगी, पूरा हिंदुस्तान उस पंचायत खापों के ऊपर और संयुक्त मोर्चे के और भारतीय किसान यूनियन के ऊपर पूरा हिंदुस्तान खरा खरा उतरेगा जी। बिल्कुल जी।
तो अपना समाज का अपना के संदेश देना चाहोगे जी आखिरी? समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, वह ब्रजभूषण को अंदर करो, गिरफ्तार करो। पब्लिक, हर पब्लिक की, पूरे हिंदुस्तान की आवाज है, वो उसको गिरफ्तार करो। तो कैमरा वाला भाई देखूंगा, एक बार पब्लिक दिखा दे भाई, चुकर नारेबाजी हो रही है, जो यहाँ पर जींद में इकट्ठा होने का कारण हो आप तो दिखा दिया है, जो अगला कदम होगा अगला सारा आप कवर करांगे, सारे दिखाते रहे। तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।